अगर आप पर्यावरण विज्ञान के छात्र हैं या इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और भारतवर्ष के सभी पर्यावरणविदों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, यूजीसी ने इन्वायरमेंटल एजुकेशन को सभी कॉलेजेस में मैंडेटरी कर दिया है और ये निर्देश सभी भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को जारी किया जा चुके हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द यूजीसी इन ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज टिल ग्रेजुएशन। सो लेट्स लुक एट द डिटेल्स ऑफ दिस न्यूज। तो ये है ऑफिशियल लेटर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर डेटेड 6/12/1999 इन WP नंबर 860/1991 हैज डायरेक्टेड दैट अप्रोप्रिएट स्टेप्स बी टेकन टू इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल स्टडीज कोर्सेज इन ऑल यूनिवर्सिटीज एंड अफिलिएटेड कॉलेजेस। मतलब ये 1999 में ही निर्देश दे दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि सभी कॉलेजेस में और सभी यूनिवर्सिटीज में इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, पर्यावरण की शिक्षा को लागू किया जाए। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन पर्सुएंट टू दिस ऑर्डर हैज डिजाइन अ 6 मंथ मॉड्यूल सिलेबस फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ हायर एजुकेशन टू बी कंपल्सरली इम्प्लीमेंटेड। दिस वॉज कम्युनिकेटेड टू ऑल यूनिवर्सिटीज ऑन 24/7/2003 फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। इन दिस कनेक्शन द यूजीसी हैज बीन रिपीटेडली रिमाइंडिंग योर यूनिवर्सिटी फॉर द कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द लास्ट रिमाइंडर वॉज सेंड टू यू ऑन 2/5/2014, दैट इज 2 मई 2014। तो मतलब ये एक लेटर है जो यूजीसी ने किसी एक कॉलेज को लिखा है और इस तरह के लेटर्स भारत के सभी यूनिवर्सिटीज और उनसे अफिलेटेड कॉलेजेस को दिए गए हैं कि जो 1999 में ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए थे कि आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लागू कीजिए और उसकी बाबत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक 6 महीने का कोर्स भी डिजाइन कर दिया गया जो बीएससी बीए या बीबीए किसी भी सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थी को वो 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा अगर वो यूजीसी से अफिलेटेड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भारत के पढ़ रहा है। मतलब कि इंडिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 6 महीने का एनवायरमेंटल स्टडीज का कोर्स कंपलसरी होगा और वो कोर्स यूजीसी ने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया। ठीक है, और ये जो नोटिस है ये सभी यूनिवर्सिटीज को काफी पहले भेजा गया और जो दूसरा रिमाइंडर है उस नोटिस का वो 2 मई 2014 में ही भेज दिया गया था और अभी हम सन 2023 में हैं। तो ये कितने पहले से यूनिवर्सिटी इसके लिए कोशिश, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लागू करने की कोशिश कर रही है। और आगे लिखती है, इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट टैंटमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वंस अगेन आई राइट दिस टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एग्जॉर्ट अपॉन योर कॉलेजेस अपॉन योर कॉलिग्स बोथ इन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द मॉड्यूल ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूजीसी वेबसाइट। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ योर यूनिवर्सिटी टू डू सो द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विल बी कंस्ट्रेंड टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी। और इस लेटर में जो यूजीसी है वो निर्देशित करती है यूनिवर्सिटीज को कि आप अपने यहाँ 6 महीने का जो कंपल्सरी कोर्स है एनवायरमेंटल एजुकेशन का वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू कीजिए और अगर आप नहीं लागू करते हैं तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और यूजीसी आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अगेंस्ट एक्शन लेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्देश यूजीसी की तरफ से कॉलेजेस को भेजा गया। इसके अलावा 6 महीने का जो मॉड्यूल है, जो सिलेबस है, 6 मंथ्स मॉड्यूल सिलेबस फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस वो भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तैयार किया है और उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या होगा अभी हम देखते हैं। तो ये सारा कुछ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नोटिफिकेशन काफी लंबा है, तो मैं मुख्य अंश पढ़ दूंगी। सिलेबस में क्या है, पहला यूनिट 1 द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, यूनिट 2 रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है यूनिट 2 में। फिर है यूनिट 3 इकोसिस्टम्स। ठीक है, यूनिट 4 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यूनिट 5 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। यूनिट 6 सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट। यूनिट 7 ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट। यूनिट 8 फील्ड वर्क।
8 यूनिट है, 6 महीने का कंपलसरी कोर्स होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए फॉर अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक, बीए बीएससी बीबीए से पहले पहले ये 6 महीने का कोर्स कर लेना होगा। और ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं, आप अगर मुझे, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप पर डाउनलोडेड है, मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आपको ईमेल से भेज दूंगी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं। इसकी खासियत मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, व्हाई डू आई इवन डिस्कस इट, बिकॉज इस नोटिफिकेशन के सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में लागू होने के साथ साथ ही इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ाने के लिए बहुत सारी लेक्चरर की वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, उसको पढ़ाने के लिए कोई एक आदमी तो चाहिए। तो जो जिस कॉलेज में अब तक इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां इन्वायरमेंटल साइंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वहां भी अब एक इन्वायरमेंटल साइंस का टीचर चाहिए होगा, क्योंकि उसको 6 महीने का कोर्स पढ़ाना होगा। तो इन्वायरमेंटल साइंस की बहुत सारी वैकेंसीज ऐसे आएंगी। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल को देखते रहिए।